प्रिय विद्यार्थियों नमस्ते। हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित बादल राग कविता पर बात कर रहे थे और हमने कल इस कविता के कुछ अंश पर बात की। आज हम इस कविता के शेष अंश पर बात करेंगे। कल के वीडियो में आपने जाना कि बादल राग कविता में बादल को संबोधित किया गया है क्योंकि इसमें निराला जी ने बादल को क्रांति का दूत माना है, क्रांति का प्रतीक माना है। और इसका कारण ये कि बादल में सृजन और संहार की क्षमता है, वो विध्वंस भी कर सकता है और नया सृजन भी कर सकता है। एक और वो जहाँ अपने जन वर्षण से धरती के गर्भ में दबे हुए सुप्त बीजों को अंकुरित कर नया जीवन प्रदान करता है, तो दूसरी तरफ वो अपने वज्रपात के द्वारा बड़े बड़े गगनचुंबी वृक्षों को भी धराशायी कर देता है। और यहाँ पर वृक्ष, बड़े बड़े वृक्ष पूंजीपतियों के प्रतीक है और छोटे जो पौधे हैं जो जिन पर इस वज्रपात का अत्यधिक जल वर्षण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो शोषित वर्ग के प्रतीक है। तो आगे हम देखते हैं कि जब वज्रपात होता है, वज्रपात से ऐसे हम यूं लें कि जब क्रांति आती है तो पूंजीपतियों की जो शोषणकारी व्यवस्था है वो समाप्त हो जाती है और शोषितों को, दलितों, पीड़ितों, किसानों, मजदूरों को अपनी उन्नति के अवसर दिखाई देते हैं, उन्नति के अवसर उपलब्ध होने की आशा होती है, इस कारण वो प्रसन्न होते हैं। तो इसी बात को अब हम आगे बढ़ाते हुए कविता का अगला अंश देखते हैं कि अटालिका नहीं है रे आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता जल विपल्व प्लावन, शुद्र प्रफुल्ल जलद से सदा छलकता नीर, रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर। अट्टालिका यानी ऊंचे महल, बड़े महल, अटारी, आतंक भवन, आतंक के भवन। कवि यहाँ निराला कहते हैं कि जो धनिक वर्ग है, पूंजीपति वर्ग है, शोषक वर्ग है, उसके ऊंचे ऊंचे जो विशाल भवन है वो भवन न होकर के मानो, ऊंचे ऊंचे भवन मात्र न होकर के मानो वो आतंक के भवन। और यहाँ आतंक के भवन का अर्थ अपन दो संदर्भों में कर सकते हैं। एक तो ये है कि इन ऊंचे ऊंचे विशाल अटालिकाओं में रहने वाले जो पूंजीपति है वो गरीबों का शोषण करते हैं और इस कारण ये गरीबों को भयभीत करने वाले, गरीबों को आतंकित करने वाले भवन है। दूसरा हम इस अर्थ में कि ये आतंक भवन पूंजीपतियों के लिए आतंक भवन कब हो जाते हैं, जब क्रांति का स्वर गूंजता है तो इन विशाल अटालिकाओं में रहने वाले पूंजीपतियों को ये भवन अपनी सत्ता वैभव के छिन जाने के कारण आतंक भवन के रूप में प्रतीत होते हैं। इससे इन ऊंचे भवनों में रहने वाले पूंजीपति क्रांति के स्वर के कारण भयभीत हो जाते हैं, आतंकित हो जाते हैं और उस क्रांति को कुचलने के कुछ षड्यंत्र रचते हैं। इस कारण भी ये जो है दलितों और पीड़ितों, शोषितों के लिए आतंक भवन है। सदा पंख पर ही होता जल विपल्व प्लावन, पंख यानी कीचड़, विपल्व क्रांति है वैसे तो, और प्लावन यानी डूबना, कि जल वर्षण से जब भी, अत्यधिक जल वर्षण से जब भी प्लावन का ही बाढ़ आती है तो वो सदा कीचड़ को ही डूबोती है। कीचड़ ही जो है वो बाढ़ के जल में डूबता है। यहाँ
पंख को जो है हम पूंजीपतियों की शोषणकारी व्यवस्था कह सकते हैं, और जल विफल पलायन को, जल की बाढ़ को हम जो है एक क्रांति मान सकते हैं कि जब भी क्रांति आती है तो पूंजीपतियों की ये शोषणकारी व्यवस्था जो रूपी कीचड़ है वो बह जाता है। जल क्रांति रूपी बाढ़ का प्रभाव जो है वो पूंजीपतियों की शोषण व्यवस्था जो है उस कीचड़ पर ही होता है, उस कीचड़ को वो बहा देता है, उस कीचड़ को वो समाप्त कर देता है, हटा देता है। शुद्र प्रफुल्ल जलज से सदा चलता नहीं। यहाँ पंख का अर्थ मैंने पूंजीपतियों के लिए नहीं, पूंजीपतियों की जो शोषणकारी व्यवस्था है जो घृणित है। शुद्र प्रफुल्ल जलज से सदा छलकता नहीं, और शुद्र यानी तुच्छ छोटा, प्रफुल्ल यानी प्रफुल्लित प्रसन्न जलज से सदा छलकता नहीं। लेकिन जब बाढ़ का पानी जल कमल पर गिरता है तो कमल से जो है हमेशा पानी छलकता रहता, और कमल तुच्छ होकर के छोटा होता हुआ भी प्रसन्न होता है। वो इस बाढ़ से जो है दुखी विषण नहीं होता है, क्योंकि बाढ़ से, प्रलय से, क्रांति से, क्रांति की बाढ़ से केवल पूंजीपति वर्ग ही प्रभावित होता है, उसकी ही सत्ता जो है वो समाप्त होती है। जो शोषित वर्ग है, शूद्र, कमल को शूद्र बताया यहाँ, ये जो है शोषितों का, दलितों का, पीड़ितों का प्रतीक, शोषित वर्ग है, उसकी आंखों से तो हमेशा ही जो है नीर छलकता रहता है, अर्थात वह तो हमेशा ही विषण, दुख, पीड़ा, कष्ट, निर्धनता में जीवन यापन करता है। इस कारण उसके पास खोने के लिए कुछ होता ही नहीं। तो क्रांति रूपी बाढ़ से जो है वो प्रसन्न होता है, रोग शोक में भी हंसता है, शेषव का सुकुमार सभी, और शेषव का अर्थ है बचपन, सुकुमार कोमल। जिस तरह से बच्चे का शरीर कोमल होता है, उसमें लचीलापन होता है, और बच्चा रोग और शोक, कष्ट व्याधि या प्रसन्नता सभी में भी वो मुस्कुराता है, प्रसन्न होता है रहता है, उसी तरह जो शोषित है, दलित है, पीड़ित है, वो व्याधि में भी, दुख में भी, पीड़ा में भी, निर्धनता में भी जो है मुस्कुराते रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। और जब ये क्रांति आती है तो वो उनकी प्रसन्नता स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है, क्योंकि क्रांति से उन्हें अपने जीवन में उन्नति के अवसरों की प्राप्ति की आशा होती है। तो क्रांति का प्रभाव हमेशा पूंजीपतियों पर, क्रांति का के कारण पूंजीपतियों की व्यवस्था छिनती है, उनका धन वैभव नष्ट होता है, और दलितों, शोषितों, पीड़ितों, किसानों और मजदूरों को क्रांति का लाभ होता है। यहाँ पर दलितों, शोषितों और पीड़ितों की जो स्थिति है पूंजीपतियों के शोषणकारी व्यवस्था के कारण, कि उनका जीवन दुखों में, कष्टों में, निर्धनता में ही गुजरता है, उसकी ओर संकेत किया गया। साथ ही बताया गया कि निर्धनता में भी वो प्रसन्न होते हैं, उनमें उसको सहन करने की क्षमता रखते हैं। रुद्ध कोष है, शुद्ध तोष है, अंगना अंग से लिपटे भी आतंक अंक पर कांप रहे हैं, धनी वज्र गर्जन से बादल त्रस्त नयन मुख ढांप रहे हैं। रुद्ध कोष, कोष यानी खजाना, रुद्ध यानी अवरुद्ध कल। पूंजीपतियों ने धन को अपने खजानों में अवरुद्ध कर लिया है,
आर्थिक साधनों पर उन्होंने अधिकार कर लिया है, कब्जा कर लिया है, सारा दिन उन्होंने इकट्ठा कर लिया है, फिर भी उनकी धन प्राप्त शुद्ध तोष, तोष यानी संतोष, उनकी धन प्राप्ति की जो इच्छा है वो अभी भी संतुष्ट नहीं हुई है, अभी भी उन्हें संतोष नहीं। शुद्ध तोष का अर्थ पूंजीपतियों के अर्थ में ये लिया जा सकता है, वहीं निर्धनों के अर्थ में, दलितों के अर्थ में, पूंजीपति शोषितों के अर्थ में ये लिया जा सकता है कि पूंजी पतियों द्वारा धन को अपने खजानों में इकट्ठा कर लिया जाने से शोषित जो वर्ग है उसमें असंतोष का भाव, और इस असंतोष की अभिव्यक्ति क्रांति के रूप में अभिव्यक्त होती है, और क्रांति के स्वर को सुनकर के धनी वज्र गर्जन से बादल के वज्र के समान घोर घनघोर गर्जन को सुनकर के जो धनी है, पूंजीपति है, वो यहाँ बादल की गर्जन जो है क्रांति के ओजस्वी स्वर की हुंकार की प्रतीक है कि क्रांति के उस ओजस्वी परिवर्तनकारी स्वर को सुनकर के जो पूंजीपति है वो भयभीत हो जाते हैं और अंगना अंग से लिपटे हुए अपनी स्त्रियों के अंगों से लिपटे हुए उनकी गोद में सिर रखे हुए भी जो है आतंक अंग पर कंपित होते रहते हैं, भयभीत होते रहते हैं। त्रस्त नयन मुख ढांप रहे और क्रांति की गर्जना को सुनकर के वो इतना भयभीत होते हैं कि भय के कारण अपने आंखों को बंद कर लेते हैं, मुंह को ढांप लेते हैं, मुंह को छिपा लेते हैं। तो इन पंक्तियों में एक और तो जहां पूंजीपतियों के धन वैभव का वर्णन हुआ है कि उन्होंने ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं बना रखी है और उनमें वैभव विलास का जीवन जीते हैं, अपनी प्रेमिकाओं स्त्रियों के साथ वो जो है भोग विलास करते हैं, दूसरी ओर उन्होंने क्रांति के कारण उनकी जो भयभीत दशा है उसका भी चित्रण किया है। कवि ये भी कहना चाहता है कि क्रांति के कारण पूंजीपतियों की ही जो है वो धन वैभव विलास नष्ट होता है। आगे जीर्ण बाहु हुए सेन शरीर तुझे बुलाता कृषक अधीर, ये विपल्व के वीर चूस लिया है उसका सार, हार मात्र ही है आधार ये जीवन के पारावार। जीर्ण टूटा फूटा असक्त निर्बल दुर्बल सेन कमजोर तुझे बुलाता कृषक अधीर, अधीर यानी धैर्य से रहे जो है तो बेचैन हो गए। ए विपल्व के वीर, विपल्व के वीर संबोधन बादल के लिए आया है और कवि निराला कहते हैं कि किसान जिसकी भुजाओं में ताकत नहीं रही, जिसकी भुजाएं दुर्बल हो गई है, शक्तिहीन हो गई है और शरीर अशक्त हो गया, कमजोर हो गया, किसके कारण? पूंजीपतियों के द्वारा किए जाने वाले शोषण के। वो शोषित पीड़ित किसान जो है बेचैन होकर के बादल को बुलाता है, तुझे बुलाता है ये विपल्व के वीर, जिसमें किसानों की इस दशा में परिवर्तन करने की क्षमता है, जो विपल्व का वीर है, क्रांति का प्रतीक है। यहाँ पर किसानों के अर्थ में भी इसका प्रयोग है और मजदूरों के लिए भी, किसानों के अर्थ में है कि किसान बादल को बुलाते हैं और बादलों द्वारा जल वर्षण से जो है नई फसलें पैदा होती है और किसानों का जीवन खुशहाल होता है, बादल उसके जीवन को खुशहाली खुशहाल करते हैं, उसमें सहयोग करते हैं, उनके द्वारा किया गया जल वर्षण ही किसानों के जीवन का आधार है।
दूसरी ओर मजदूरों के लिए यह बादल क्रांति का प्रतीक है कि पूंजीपतियों के शोषण के कारण, उद्योगपतियों के शोषण के कारण जो पूंजीपति जो मजदूर असक्त हो गए हैं वो बेचैन होकर के क्रांति का आह्वान कर रहे हैं। चूस लिया है उसका सार, हार मात्र ही है आधार। शोषित वर्ग ने, पूंजीपतियों ने किसानों का संपूर्ण जो सार तत्व है वो चूस लिया, उसकी जीवनी शक्ति छीन ली है और अब उसका शरीर जो है हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया है। यहाँ पर बादल को कह रहा है जीवन के पारावार, जीवन के समुद्र, किसान को जीवन प्रदान करने वाले बादल, जीवन के प्रदाता तुम बरस करके उसकी, किसान की गरीबी को दूर कर और मजदूर के लिए क्रांति करके शोषण को समाप्त करो। तो इस कविता को अपन सार रूप में देखें, इस कविता के भाव सौंदर्य को अपन देखें तो कह सकते हैं कि इस कविता का जो स्वर है वो प्रगतिवादी चेतना का स्वर है और बादल को इसमें क्रांति का प्रतीक बताया गया है। शोषित पीड़ित निर्धन किसानों की दयनीय दशा का मार्मिक शब्द चित्र प्रस्तुत करके इसमें शोषक वर्ग के प्रति आक्रोश और विद्रोह की भावना अभिव्यक्त हुई है। वहीं शोषित पीड़ित किसानों और मजदूर उनके प्रति इसमें जो है सहानुभूति की अभिव्यक्ति हुई है। शोषक वर्ग के प्रति आक्रोश विद्रोह, शोषक वर्ग की शोषणकारी सत्ता के विध्वंस के लिए क्रांति की आवश्यकता का स्वर इसमें मुखरित हुआ है। साथ ही शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति की अभिव्यक्ति हुई है। शिल्प पक्ष की दृष्टि से देखें तो इस कविता की शब्दावली खड़ी बोली है, तत्सम शब्दावली की इसमें प्रधानता है ही। कविता की शब्दावली में सांकेतिकता एवं प्रतीकात्मकता है, जैसे बादल ही क्रांति का प्रतीक है, हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार, ये सांकेतिक शब्दावली, यहाँ हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार शोषितों पीड़ितों दलितों के किसानों के लिए प्रयुक्त हुआ है। सदा पंख पर ही होता जल विपल पुलायन, यहाँ भी प्रतीकात्मक शब्दावली है, तो पूरी कविता में प्रतीकात्मक शब्दावली का प्रयोग हुआ है। अलंकारों की दृष्टि से इसमें अनुप्रास अलंकार का बहुत प्रयोग हुआ है, इसके साथ साथ हिल हिल खिल खिल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। रूपक अलंकार का प्रयोग भी कविता में अनेक स्थान पर आया, जैसे समीर सागर है। मानवीकरण, इसमें प्रकृति का पूरी तरह से मानवीकरण हुआ है, तो मानवीकरण इसका एक मुख्य अलंकार है। एक उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार, यहाँ पौधों को व्यस्ते हुए दिखाया गया है, तो ये मानवीकरण अलंकार है। इसके अतिरिक्त आकर्षक बिंब योजना भी इस कविता में रची गई है और दृश्य और सर्वे बिंबों का जो है प्रभावी ढंग से इसमें विधान हुआ है। जब इस कविता को पढ़ते हैं तो पाठक के मानस चित्र में जो है वो पाठक के मानस में जो है वो चित्र उभरते हैं और उसके स्वर्ण इंद्रियों से भी उसे जैसे ध्वनि सी सुनाई देती है, तो दृश्य और श्रव्य बिंबों की सुंदर प्रभावी योजना इस कविता में की गई है। धन्यवाद।